आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पे ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में आप अपना यहाँ पे टीम कैसे बनाएंगे, और मैं आप लोग को इस वीडियो में टीम बनाने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पे कॉन्टेस्ट को कैसे ज्वाइन करेंगे, आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, साथ ही आप लोग यहाँ पे अपना टीम को कैसे देख सकते हैं। मैं आप लोग को इस वीडियो में टीम बनाने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग मेरा यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले से दो टीम को मैंने यहाँ पर कम्प्लीट करके रखा हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ मेरा यहाँ पर दो टीम मेरा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोग को भी यहाँ पर इसी तरह के आप लोग यहाँ पर टीम को आप लोग यहां पे अपना खुद का टीम आप लोग यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप लोग अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन को भी चूज कर सकते हैं। मैं आप लोग को इसके बारे में बताने वाला हूं कि आप लोग यहां पे अपना कैप्टन और अपने वाइस कैप्टन को कैसे चूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग को भी नहीं पता है कि आप लोग यहां पे अपना टीम कैसे बनाएंगे और कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। जैसे आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लोग को सारे मैच देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक मैच यहाँ पे है वेस्ट इंडीज और यहाँ पे इंग्लैंड के तरफ से, जो कि यहाँ पे 14 मिनट के बाद यहाँ पे मैच शुरू होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं। तो बस आप लोग को इस पर टैप करना है। इस पर टैप करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग को नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट टीम का। तो बस आप लोग को यहाँ पे इस पर टैप करना है। जैसे इस पर टैप करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा वेस्ट इंडीज, यहाँ पे आप लोग को इंग्लैंड, यहाँ पे आप लोग को 100 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को टोटल प्लेयर देखने को मिलेगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें आप लोग एक टीम से आप लोग यहाँ पे 7 प्लेयर ही ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा विकेट कीपर, फिर यहाँ पे आप लोग को बैट्समैन, फिर यहाँ पे आपको ऑलराउंडर, फिर यहाँ पे आपको बॉलर। तो बस आप लोग को करना है क्या कि जैसे आप लोग यहाँ पे आएंगे विकेट कीपर में, यहाँ पे आप लोग एक यहाँ पे आप लोग को ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ये सब अभी मैच में खेल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को विकेट कीपर, तो आप लोग यहाँ पे एक या दो ले सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पे बैट्समैन आएगा। तो बैट्समैन में मैं आप लोग के सामने मैं यहाँ पे देखिए दो और या चलिए मैं यहाँ पे 4 बैट्समैन मैंने यहाँ पे ले लिया। फिर आपको ऑलराउंडर में आना है, ऑलराउंडर में यहाँ पे चले 2 ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 4। चले मैं यहाँ पे अब बॉलर को मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस तरह से बॉलर को लिया। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा टीम प्रीव्यू, तो आप लोग यहाँ पे टीम प्रीव्यू पे आएंगे। मैंने यहाँ पे चूज किया, एक मैंने यहाँ पे लिया विकेट कीपर को, एक 4 मैंने यहाँ पे लिया बैट्समैन के, 2 मैंने यहाँ पे लिया ऑलराउंडर को और 4 मैंने यहाँ पे लिया बॉलर को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा कुछ इस प्रकार से टीम बना हुआ है। तो बस आप लोग को यहाँ पे कंटिन्यू और ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब आप लोग को यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना है। तो बस यहाँ पे आप लोग कुछ यहाँ पे परसेंटेज में यानी 33% लोगों ने इसे यहाँ पे कैप्टन चूज किया है, और वॉइस कैप्टन में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे 30% लोगों ने इसे यहाँ पे जेसन होल्डर को यहाँ पे वॉइस कैप्टन लिया है। तो बस आप लोग यहाँ पे सेव टीम पे टैप करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग का टीम बन जाएगा। जैसा कि मेरा यहाँ पे देखिए टीम बनकर तैयार हो चुका। अब आप लोग का सवाल होगा कि आप लोग को टीम एडिट कैसे करेंगे, उसके लिए आप लोग यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे इसके जगह मुझे यहाँ पे इसको लेना है, बस आप लोग यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन फिर से चूज करेंगे और आप लोग का यहाँ पे इस तरह से टीम एडिट हो जाएगा। अब आप लोग का फिर सवाल होगा कि मैं यहाँ पे अपने टीम में कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करूँगा। तो बस आप लोग को अपने इस मैच में जाना है। यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोग को यहाँ पे। तो बस आप लोग को कोई भी कॉन्टेस्ट पे जाना है। जैसे कि एक यहाँ पे कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा जिसका यहाँ पे एंट्री फीस यहाँ 12 रुपये। तो बस आप लोग को इस पे जाना है। इस पे जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे सारे आप लोग को यहाँ पे मैच आप लोग को यहाँ पे देखने को मिले, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे चूज करना है कि आप लोग यहाँ पे कौन से टीम में आप लोग लगाना चाहते हैं। तो बस मैं यहाँ पे इस पे आप लोग 3 नंबर पे टैप करता हूँ और बस आप लोग यहाँ पे ज्वाइन पे टैप करेंगे। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जाएगा जिसमें कि बस आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे टैप करेंगे। आप लोग को यहाँ पे देखिए कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो चुका, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बस आप लोग यहाँ पे माई कॉन्टेस्ट पे जाएंगे तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं मेरा यहां पे देखिए एक कॉन्टेस्ट लगकर तैयार हो चुका है, जो कि यहां पे आप लोग को साफ साफ देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब आप लोग यहां पे इस तरह से आप लोग इस एप्लीकेशन में आप अपना टीम को आप लोग यहां पे कंप्लीट आप लोग यहां पे बना सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि आप लोग यहाँ पे अपना टीम कैसे बनाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चलिए इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।